प्रैक्टिस सेशन। देखिए हम लोग प्रैक्टिस में ना वेरियस सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे, मोस्टली सेंटेंस हमारे डिग्री पर बेस्ड होंगे। चलिए, मैंने कहा तुम उतना अच्छा नहीं लिख पाए जितना अच्छा रवि ने लिखा, क्या कहेंगे? यू कुड नॉट राइट सो गुड, तुम उतना अच्छा नहीं लिख पाए जितना अच्छा रवि ने लिखा, एज रवि डिड। अगर मैं इसको कंपैरेटिव बनाऊं कि रवि ने तुमसे ज्यादा अच्छा लिखा, तो रवि रॉट बेटर देन यू। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। मुझे पता है कि आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। आई नो द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलने के लिए कहा जाता है। तुम्हें उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलने के लिए कहा जाता है। यू शुड स्पीक एज मच एज यू आर टोल्ड टू स्पीक, कहा जाता है, पेसिव वॉइस में बनेगा, यू आर टोल्ड टू स्पीक। ठीक है, मैं उतना ही बोलूंगा जितना मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा। ठीक है कि इंग्लिश होती है? ऑल राइट। आई विल स्पीक एज मच एज मुझसे कहा जाएगा। आई विल बी टोल्ड टू स्पीक। निशा उतनी ऊंची नहीं है जितनी की दिशा है, क्या कहोगे? निशा इज नॉट सो टॉल एज दिशा। नेगेटिव में सो लग जाएगा, है ना? और अगर आप कहते हैं कि निशा उतनी ही ऊंची है जितनी की दिशा, तो क्या बोलोगे? दोनों को बराबर बता रहे हो, तो निशा इज एज टॉल एज दिशा। एक बार बोलकर देखो सभी, निशा इज एज टॉल एज दिशा। तुमने उतना ही पढ़ाया जितना मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा था। तुमने उतना ही पढ़ाया, यू टॉट एज मच एज मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए कहा था। आई हैव टोल्ड यू, या फिर आप आई हैड भी कह सकते हो, पास्ट की बात हो रही है तो आई हैड टोल्ड यू टू टीच। क्या तुम इस विषय पर कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू स्पीक एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन दिस इश्यू? मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। आई डोंट हैव, बोलने की कोशिश करो मेरे साथ, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो मैं नहीं बोलूंगा, सो आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बोले। आई वॉन्ट यू टू स्पीक मोर एंड मोर। एक बार बोलो मेरे साथ, आई वॉन्ट यू टू स्पीक मोर एंड मोर। आप क्यों ज्यादा बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग मच? मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा सीखना है। आई एम स्पीकिंग मच बिकॉज आई हैव टू लर्न मच। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। मैं नहीं चाहता कि आप उसकी मदद करें। आई डोंट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। मैं नहीं आपसे चाहता कि आप उसकी मदद करें। आई डोंट वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, क्या कहेंगे बोलो? आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं? हाउ डू यू टीच इंग्लिश? आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? आप परसोना इंस्टीट्यूट से ही इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट? आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू प्रैक्टिसिंग? मैं परसोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि परसोना इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट बिकॉज अ प्रॉपर प्रैक्टिस इज मेड, अ प्रॉपर प्रैक्टिस इज मेड इन परसोना इंस्टीट्यूट, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रैक्टिसिंग, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग फ्रॉम देयर। ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा, बोलो। यू विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। यू विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर। गंगा इंडिया में सबसे लंबी नदी है, क्या कहोगे? गंगा द लगेगा, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया।
इन द इंडिया नहीं होगा ना. द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. अगर मैंने कहा कोई भी नदी उतनी लंबी नहीं जितनी की गंगा, तो कोई भी नदी के लिए लगेगा नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज द गंगा. राइट, कोई भी नदी उतनी लंबी है जितनी गंगा. गंगा दूसरी अन्य नदियों से ज्यादा लंबी है. गंगा इज ज्यादा लंबी, मतलब लॉन्ग का लॉन्गर बनेगा. गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर. एक बार बोलने की कोशिश करो सारे स्टूडेंट. गंगा इज, इसमें द लग जाएगा. द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर. ट्राई टू स्पीक वन मोर टाइम. द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर. गंगा जो है दूसरी अन्य नदियों से ज्यादा लंबी है. सो द गंगा इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर. राइट, ऐसे मैंने कहा निशा दूसरी अन्य लड़कियों से ज्यादा होशियार है. निशा इज मोर इंटेलिजेंट, मोर क्रिएटिव, मोर वाइज. मोर वाइज तो होता नहीं है, वाइजर होता है. तो मोर क्रिएटिव, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल. एक बार बोलने की कोशिश करो. निशा इज मोर क्रिएटिव देन एनी अदर गर्ल. निशा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल. ठीक है, निशा दूसरी अन्य लड़कियों से ज्यादा क्रिएटिव है, ज्यादा इंटेलिजेंट है. मुझे पता है मुझे क्या करना है. आई नो व्हाट आई हैव टू डू. मुझे पता है मुझे क्या बोलना है. आई नो व्हाट आई हैव टू स्पीक. मैं नहीं बोलना चाहता. बोलो, मैं नहीं बोलना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक. फिर से बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक. मैं वहां नहीं जाना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर. आपको वहां जाना पड़ेगा. You will have to go there. आपको यहां आना पड़ेगा. You will have to come here. मैं यहां आया करता था. I used to come here. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है. I need to learn English. आप इस बारे में क्या जानते हो? What do you know about it? What do you know about it? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता. I don't know anything about it. मुझे बोलने की जरूरत है. I need to speak. मैं सोचता नहीं ज्यादा. I don't think much. I don't think much. मैं ज्यादा बोलता नहीं. I don't speak much. आपको इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा. To learn English, in order to learn English, you have to speak more and more. अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे. If you speak much, you will learn much. वहां मत जाइए. Don't go there. आपको वहां जाने की जरूरत है. You need to go there. You need to go there. Next, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते. There is nothing that you can't. आपके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है. क्या कहेंगे? There is nothing impossible for you. यदि आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं. If you want, you can do anything. If you want, you can do anything. मैं नहीं बोलना चाहता. बोलो, I don't want to speak. मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता. I don't want to study. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. You will have to study. आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा. You will have to speak more and more. क्या आप यहां आना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश? मुझे कोई आइडिया नहीं कि आप कहां जा रहे हो. आई डोंट हैव एनी आइडिया. आप कहां जा रहे हो? वेयर यू आर गोइंग. मुझे सुनना पसंद है. क्या कहोगे? आई लाइक टू लिसन. मुझे बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक. मुझे बोलना पसंद है. आई लाइक टू स्पीक. मुझे बोलते हुए तुम, वाओ. तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हो तुम. यू लाइक टू स्पीक. एक सॉन्ग है ना भैया. हाँ, तुम्हें बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम. मुझे बोलते हुए तुम मतलब आई लाइक यू स्पीकिंग.
तुम्हें लिखना पसंद है मुझे लिखते हुए, तुम क्या बोलोगे? यू लाइक टू राइट एंड आई लाइक यू राइटिंग. तुम्हें खाना पसंद है मुझे खाते हुए तुम, यू लाइक टू ईट एंड आई लाइक यू ईटिंग. यहां पर याद रखना स्पीकिंग होगा, राइटिंग होगा, ईटिंग होगा, क्योंकि स्पीकिंग बोलते हुए, राइटिंग लिखते हुए, ईटिंग खाते हुए, ये सब आपके पार्टिसिपल आ रहे हैं भाई यहां पर. तो ये पार्टिसिपल में आईएनजी लगाना है, विशेष ध्यान देना. अब ये मत सोचना कि टू लगा काम चला लो, गलत हो जाएगा. आई लाइक यू स्पीकिंग मतलब मुझे आप बोलते हुए पसंद है. आई लाइक यू राइटिंग मुझे मतलब मुझे आप लिखते हुए पसंद है. आई लाइक यू ईटिंग मतलब मुझे आप खाते हुए पसंद है. इस तरीके से है ना. चलिए नेक्स्ट. मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. मुझे सोचने दो क्या करना है. लेट मी थिंक व्हाट टू डू. क्या करना है, व्हाट टू डू. क्या करना है, व्हाट टू डू. कम ऑन, क्या करना है, व्हाट टू डू. क्या करना है, व्हाट टू डू. कहां जाना है, वेयर टू गो. कब जाना है, व्हेन टू गो. क्या आपको पता है कब जाना है, डू यू नो व्हेन टू गो. डू यू नो व्हेन टू गो, बोलो जरा. हाँ मुझे पता है कब जाना है. यस आई नो वेन टू गो. क्या आपको पता है कहां जाना है, डू यू नो वेयर टू गो. हाँ मुझे पता है कहां जाना है. यस आई नो वेयर टू गो. यस आई नो वेयर टू गो. क्या आपको पता है क्यों जाना है, डू यू नो वाई टू गो. नहीं मुझे नहीं पता क्यों जाना है. नो आई डोंट नो वाई टू गो. मुझे नहीं पता क्यों जाना है और क्यों नहीं जाना है. आई डोंट नो वाई टू गो, वाई नॉट टू गो. मुझे नहीं पता कहां जाना कहां नहीं जाना. आई डोंट नो वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो. जब आपको पता नहीं कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है तो आप क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो. इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, सो वाई आर यू डिस्टर्बिंग दैम. आपको इस काम से दूर रहना चाहिए अगर आपको पता नहीं है तो. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्क इफ यू डोंट नो. मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप इस काम से दूर रहे अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो. आई इंसिस्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्क इफ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन. बात तो आपकी सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. मुझे इस काम से दूर रहना चाहिए, आई शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस वर्क. आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक. यदि आप बोलोगे नहीं तो आप कैसे सीखोगे. इफ यू डोंट स्पीक हाउ विल यू लर्न. अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे सीखोगे. इफ यू डोंट स्पीक हाउ विल यू लर्न. सो दिस इज द प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. देयर इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, क्योंकि एक ही फंडा है जो आपको अच्छा सिखा सकता है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो है आपकी प्रैक्टिस. नाउ दिस इज द सेकंड फेज ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड हियर वी आर जस्ट गोइंग टू स्पीक सम मोर सेंटेंसेस सो दैट वी कैन लर्न मोर. नाउ मुझे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है. I don't have any information about you. नहीं नहीं मैं वो नहीं हूँ जिसने दरवाजा तोड़ा. No, I'm not the one who has broken this door. मैं वो हूँ जिसने आपकी मदद की है. I'm the one who has helped you. मैं वो हूँ जो आपकी हमेशा मदद करता हूँ. I'm the one who always helps you. लेकिन आज तक कभी आपने मेरी मदद नहीं की. But you have never helped me so far. So far, आज तक अभी तक. By today भी कह सकते हो आप. By today, so far, till now, you have never helped me. मैंने आपकी कई बार मदद करी है. I have helped you several times. I have helped you many times. But you have never helped me so far. आप सोचिए कि आपने मेरी मदद कभी नहीं करी. मैंने आपकी मदद कई बार करी और आज भी कर रहा हूं. You can think, you have never helped me, but I have helped you many times. And today, still I am helping you. आप कौन हैं? Who are you? मैं वही हूं जो आपकी मदद करता हूं. I am the one who helps you. आप क्या कर रहे हैं अभी? What are you doing now? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? What do you want to say about it? देखिए भाई, मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको कोई जानकारी है तो आप बोलिए, नहीं है तो चुप रहिए. I say only one thing about it. If you have any information, speak. And if you don't have any information, be quiet. कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा अच्छा होता है. क्या कहोगे? कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा अच्छा होता है. समटाइम्स बींग साइलेंट. क्या बोलोगे? समटाइम्स बींग साइलेंट इज बेटर देन स्पीकिंग समथिंग. ठीक है. समटाइम्स बींग साइलेंट मतलब चुप रहना इज बेटर, ज्यादा अच्छा है देन स्पीकिंग समथिंग, कुछ बोलने की अपेक्षा, कुछ बोलने की बजाय.
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चुप रहे. आई इंसिस्ट यू टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट. कभी कभी सुनना बोलने से ज्यादा अच्छा है. समटाइम्स लिसनिंग इज बेटर देन स्पीकिंग. एक अच्छा श्रोता जो होता है ना, वो हर चीज को बहुत डीपली समझता है. अ गुड लिसनर अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग सो डीप, एवरीथिंग सो डीपली. इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चीजों को ध्यान से सुने. दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट यू टू लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली. आग्रह करने के लिए जो वर्ब यूज होती है, दैट इज इंसिस्ट. आप सुनते नहीं है, यही आपका प्रॉब्लम है. यू डोंट लिसन, दैट्स योर प्रॉब्लम. अगर आप सुन लो ना, तो आपको इंग्लिश ऐसे ही आ जाएगी. इफ यू लिसन यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली. यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करिए. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, स्टार्ट राइट नाउ. आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू ट्राई. अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आप सफल कैसे होगे? इफ यू डोंट ट्राई हाउ विल यू सक्सीड? इफ यू डोंट ट्राई हाउ विल यू सक्सीड? सफल होने के लिए कोशिश जरूरी है. फॉर गेटिंग सक्सेस अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी. इफ यू डोंट मेक एनी अटेम्प्ट्स हाउ यू कैन सक्सीड? मुझे जानना है कि आप कहां हो अभी. मुझे जानना है, आई हैव टू नो आप कहां हैं अभी. वेयर यू आर, आप कहां हैं अभी. वेयर यू आर, मैं अभी घर पर हूं. आई एम एट द होम नाउ. आई एम एट द होम नाउ. हां देखो, एक बींग का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं. बींग का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं आता, ध्यान दो इधर. बी ई आई एन जी. बींग के साथ में नाउन और एडजेक्टिव लगता है. मैंने कहा टीचर होकर आप पढ़ाते नहीं है, गलत बात है. बींग अ टीचर यू आर नॉट टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग, इट्स नॉट गुड. बींग अ टीचर यू आर नॉट टीचिंग, इट्स नॉट गुड. बींग अ टीचर मतलब टीचर होने के नाते, यू आर नॉट टीचिंग आप नहीं पढ़ा रहे, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है. सो बींग अ टीचर, टीचर होने के नाते, यू आर नॉट टीचिंग आप नहीं पढ़ा रहे, इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड मतलब ये ठीक नहीं है. बींग अ टीचर इट्स नॉट गुड. बींग अ टीचर मतलब टीचर होने के नाते, यू आर नॉट टीचिंग आप नहीं पढ़ा रहे, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं है. तो बींग अ टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर होने के नाते. बींग अ डॉक्टर, डॉक्टर होने के नाते, यू शुड ट्रीट दिस पेशेंट. आपको इस मरीज को का इलाज करना चाहिए. ठीक है. बींग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते या तुम्हारा दोस्त होकर, आई विल श्योरली हेल्प यू. निश्चित ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा. तो बींग का एक तरीका यह होता है कि भाई बींग को आप बिगनिंग में लगा दो. किसके साथ में लगा दो? नाउन के साथ. ऐसे ही एडजेक्टिव. बींग साइलेंट मतलब शांत होना. बींग ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार होना. मैंने कहा आज ईमानदार होना बहुत जरूरी है. सो टुडे, इसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. एक तो ये है. दूसरा, टुडे बींग ऑनेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रहा आपका बींग, जिसमें एडजेक्टिव के साथ में आप इसको लगाते हो. बींग ऑनेस्ट ईमानदार होना. मैंने कहा ईमानदार होना बेईमान होने से ज्यादा अच्छा है. बींग ऑनेस्ट इज बेटर देन बींग डिसऑनेस्ट. ठीक है. बींग ऑनेस्ट इज बेटर देन बींग डिसऑनेस्ट. ठीक है. ईमानदार होना, ठीक है, ईमानदार होना और हाथ में कुछ नहीं होना, बेईमान होने से सब कुछ होते हुए भी ज्यादा अच्छा है. क्या कहेंगे? बींग ऑनेस्ट विथ नथिंग, विथ नथिंग और विथ हैविंग नथिंग
is better than being dishonest with having everything. With having everything मतलब सब कुछ आपके पास है लेकिन आप बेईमान हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है? Being honest with nothing या with honest with having nothing. आप कहोगे सर being समझा दिया, having भी समझाओ. नई पंचाब, नई रामायण. तो having वस्तुओं के साथ लगता है. Having a pen मतलब होता है एक pen का होना. Having nothing मतलब कुछ नहीं होना. Having everything मतलब सब कुछ होना. Having knowledge मतलब knowledge का होना. ठीक है, मैंने कहा knowledge का होना knowledge के नहीं होने से ज्यादा अच्छा है. क्या कहोगे? Having knowledge is better than not having knowledge. Knowledge होना degree होने से ज्यादा अच्छा है. क्या कहोगे? नॉलेज होना डिग्री होने से ज्यादा अच्छा है. क्या बनेगा इंग्लिश में? हैविंग नॉलेज इज बेटर देन हैविंग डिग्री. ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज होना एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से डिग्री होने से ज्यादा बेहतर है. हैविंग नॉलेज, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इज बेटर देन having a prestigious degree, having a good degree from a prestigious college. ठीक है, so this is actually having. तो having pass होना और being किसके sense में होता है? person के. तो इस तरीके से being और having को आप use कर लिया करो.